जब से मोबाइल यूट्यूब महाराज चले हैं तब से दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई है। परीक्षित जी आपने देखा होगा है नगीना तेरी पिक्चर सारी सारी दुनिया नगीना तेरी पिक्चर कुछ बढ़ भी गया है। बढ़ क्या गया है ना शहर की लड़की बिगड़ी ना गांव की लड़की बिगड़ी ये जिंस वाली लड़की ने बिगाड़ी सारी दुनिया समझे में नहीं आ रही है कौन सो लड़का है कौन सो लड़की है कछु नहीं समझ में आ रही। एक बार में मध्य प्रदेश से कथा कह करके लौट रही शिवपुरी जिला में कथा कहने गई थी मध्य प्रदेश में। तो जब वहां से लौटी परीक्षित जी चार बाग स्टेशन पे उतरी तो जब वहां पे उतरे तो उसी समय इधर तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो टेम्पो चल रहे थे तो सभी लोग उसी ऑटो पर बैठ गए और जब ऑटो पर सभी लोग बैठ गए और हम रह गए एक लड़की बैठी रहे यूं मुंह बांधे रहे पार बिल्कुल छोटे छोटे इतना बड़ा मोबाइल और ईयरफोन कानों में लगाए और चला रही बैठी बैठी। तो मैंने कहा भैया हेलो एक साइड हो जाओ मुझे भी बैठ जाने दो। लड़की बोली हम तुझे भैया दिख रही हो। हमने कहा क्या दिख रही हो और हमने कहा भैया हो और क्या बोली हम कोई तुझे भैया नजर आ रहे हैं हम लड़की हैं लड़की। मैंने कहा सॉरी मुझे क्या पता आप ऐसा बेसी भाषा बना हुआ तो हम क्या जाने लड़का हो कि लड़की हो है? तब से गाता है और उसकी एक फैशन बड़ी अजब निराली चली थी। फैशन कौन सी यूं बार ऐसे बार कटवाए उसने और फिर जीरो कटिंग बिल्कुल
कहो तो ऐसी कटिंग चली थी खाली मुड़े मुड़ पे थोड़ी सी, और ये फैशन अब बहुत ज्यादा चली है मूछे मुड़ाऊ लगे हैं, और दूसरी फैशन थोड़े यहाँ पे बाल रखवा लेते हैं, नेक कोई तो हैं रखवा लेते हैं थोड़े से है? और ब्यूटी पार्लर पे जाए लड़कियां कम एब्रो बनवाती हैं, लेकिन लड़का जब नहीं घिटवाऊं जे तब कहीं ये थोड़ी ने के हैं नो मार दिया। आजकल आप लोगों ने देखा है बहुत ज्यादा दुनिया में ये हो रहा है संसार में, लेकिन सीता मैया बड़ी शर्मा रही है, सोच रही है अगर मैंने जयमाला बाएं उठा करके डाली तो मेरी लाज खुल जाएगी, और जब लाज चली जाएगी तो कुछ नहीं रहता है पास में। तो सीता मैया बड़ी शर्म कर रही, चुपचाप खड़ी है। सहेलियां कान लगी, राम से झुके ना जाओ, काहे को सीधे खड़े हो, झुक जाओ। राम ने जब लड़कियों की बात सुनी वो झुकने के लिए हुए, लाचमार बोले भैया सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो, तुम्हें शर्म नहीं लग रही है? राम बोले शर्म किस बात की? लक्ष्मण बोले पहली बात तो जाए जे सब सारी खड़ी है, और दूसरी बात जाए कि ससुराल में हो, और तीसरी बात जाए जे भाभी खड़ी है, इनके सामने अगर एक बार झुक गए तो सारी जिंदगी झुके रहोगे, इसलिए झुकना नहीं सीधे खड़े रहो। राम ने सोचा बात तो बहुत बढ़िया कह रहे हैं लक्ष्मण, राम सीधे खड़े हो गए। लड़कियां कहने लगी क्यों वो झुकने जा रहे थे, तुमने क्यों नहीं झुकने दिया? लक्ष्मण बोले बात हमसे करो जयमाला हम डला पाएंगे। लड़कियां बोली तो तुम जयमालो डलाए दो। अब लक्ष्मण जो थे परिचित जी वो सीता के आसे पासे चक्कर लगा रहे हैं, और कान में कह रहे मैया। सीता मन में सोचने लगी शादी अब भाई लल्ला पहले ही तो बड़ो है वो मैया बनाए दो। लक्ष्मण बोले मैया तुम मुझसे कह दो मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया तो मैं जयमाला डला देंगे। लेकिन अब सीता सोचे हम कैसे काएं से लला, क्योंकि जितने बड़े हम हैं उतने ही बड़े जेऊ हैं, और हम कैसे अपने बराबर के लला कह दें से। सीता बड़ी सोच में पड़ी हुई। लक्ष्मण बोले तो कोई बात नहीं है, चुपचाप खड़ी रहो, आराम से जयमाला नहीं पढ़ पाए। सीता कहने लगी जाओ लक्ष्मण मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया है तुम जयमाला डलाओ। तो लक्ष्मण अपने मन में यानी कि लक्ष्मण कहने लगे अरे मेरे भैया ने तो बड़ो काम कर दो, हमने भाइयों नहीं छुए। लक्ष्मण झुक लक्ष्मण गए और पैरन पे गिर पड़े। एक मिनट हो गया, दो मिनट, तीन मिनट, लेकिन लक्ष्मण उठे ही नहीं। राम सोचन लगे पहले तो जो पाए छुत तो तुरंत उठिया उठो, लेकिन आज कहने उठो चक्कर तो नहीं आएगा। लक्ष्मण झुक के उठाने लगे और सीता ने चांस पा करके जयमाला डाल दी। बोले श्री रामचंद्र की। अब जयमाला पड़ गई, अब तो बड़ा आनंद है। सभी लोग दो बार बोलो, फिर आगे कथा लेकर के चल रहे हैं। महाराज यो ब्याह।